संगत से कुछ विचार आए हैं वो आप सुनिए। अतः सच्चा सुख, सच्चा धन, सच्चा जीवन जीने की कला क्या है? जो ऋषि मुनियों का आचरण है, त्याग पूर्वक परमात्मा ने जो हमें संपदाएं दी हैं, त्याग पूर्वक उसका हम उपयोग करें, हमेशा विनम्र बने रहें, अपनी वाणी को ऋषियों जैसी वाणी बनाएं, जब भी बोलें सुंदर वाणी बोलें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, संसार की बातों को कहने से बचें, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली करने से बचें। अगर हम दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं तो वे बुराइयां हमारे अंदर बढ़ती चली जाती हैं। अपने जीवन को हम ऋषियों के जीवन जैसा बनाएं, देव आत्माओं जैसे हम बने, ये ही जीवन की कला है। जैसा आचरण हमारे महापुरुषों ने किया है उस आचरण को हम अपनाएं। देवपुत्री मधु, संसार किन लोगों के लिए मरुस्थल के समान है? जो अपने अंतरात्मा में उस परम ब्रह्म के अमृत का पान कर रहे हैं निरंतर, उन लोगों के लिए ये जगत मरुस्थल यानी रेगिस्तान के समान है। इस जगत में वे लोग आसक्त नहीं होते जिनका मन उस परम पुरुष परम ब्रह्म में आसक्त है। जो धूल में लोटे, धूल का तिलक लगावे, दुनिया तो दिल में बसी, अंत में नरक को जावे। काल शिकारी जाल लगावे, पंछी बड़े से आने, फिर भी जाए जाल में फंसे, चुगे लोभ के दाने। इसका अर्थ बताएं। जिनका मन जगत में आसक्त है वे संसार की धूल में लोटपोट होते रहते हैं, इसी में गर्दा उठाते रहते हैं, इसी को बुरा बताते रहते हैं और इसी में आसक्त बने रहते हैं। संसार के वस्तुओं को ही परमात्मा से मांगते रहते हैं। अतः वे उस गधे की तरह हैं जो धूल में लोटपोट होके प्रसन्न होता है और अपने ही शरीर में धूल को भर लेता है। हाथी जैसे अभी तालाब में या नदी में स्नान के लिए गया और बाहर निकलकर रेत और धूल को अपने ऊपर फेंक लेता है, ऐसे ही वे लोग हैं जिनका हृदय उस परमात्मा में ठीक प्रकार से स्थित नहीं है। शिकारी जाल लगाता है, काल पुरुष मृत्यु का देवता शिकारी है। ये जीवात्माएं अपने को सियाना और ज्ञानी समझती हैं और फिर भी लोभ लालच में जाल में जाके फंस जाती हैं। ये दाना क्या है? तृष्णा, विषय विकार, लोभ लालच। इस तृष्णा से, इस मोह से जो निकले वे ही उत्तम पुरुष हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही धर्मात्मा हैं और वो ही सत्पुरुष हैं। देवपुत्र पंकज कुमार अग्री से हैं। एक दिन ग्रंथ में आया था, अनंत ग्रंथ में,
जो परमेश्वर की पूजा करते हैं उनको देवता भटकाते हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसा होता है, इंद्री द्वार जरोखे नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हठी देही कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार पे उनके अभिमानी देवता बैठे हुए हैं, आंखें निरंतर सुंदर रूप को देखना चाहती हैं, कान हमेशा सुरुचिपूर्ण वाक्य सुनना चाहते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी है, ये बताया गया था कि कुछ जो लोग मर जाते हैं और अतृप्त आत्माएं जिनकी भटकती रहती हैं, वे किसी के स्वप्न में आते हैं, मैं वो देवी हूँ, तू मेरी पूजा कर, नहीं करेगा तो मैं तेरा नाश कर दूंगी। कोई सपने में आके किसी को कहता है, उस पेड़ के नीचे दीपक जला, चिलम चढ़ा, तू क्या ये मंत्र जपता रहता है परमात्मा का, मैं तेरा नाश कर दूंगा। हमारी संगत में बहुत से लोगों को ऐसे स्वप्न, ऐसी अवस्थाएं आई हैं और उन्होंने वर्णन किया कि ऐसा हमको वो धमकी दे रहे हैं, स्वप्न में कह रहे हैं, मैं देवी हूँ, मैं तेरा नाश कर दूंगी, तू क्या परमात्मा की पूजा कर रहा है, मेरी पूजा कर। तो इस तरह की बातें आती हैं तो कुछ लोग उससे भयभीत तो हो जाते हैं, लेकिन जो गुरुमुख आत्माएं हैं, सतगुरु का साया उन सभी के सिर पे है जिनको नामदान प्राप्त हुआ है, और उनको भयभीत नहीं होना चाहिए। निम्न प्रकार की कुछ आत्माएं होती हैं, मलिन आत्माएं होती हैं, जो इस तरह के वाक्य बोलकर साधकों को डराते रहते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा के बराबर कोई है नहीं और परमात्मा के मंत्र के बराबर किसी का मंत्र नहीं और परम ब्रह्म की आराधना के बराबर किसी देवी देवता भूत प्रेत की पूजा नहीं। हमें उस परम ब्रह्म में अटल, अडिग और निश्चल बने रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए, और कोई बात ऐसी अगर आई भी है तो जाकर के गुरु चरणों में हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और सब फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। देवपुत्र सुनील हैं अमरोहा से, गुरुदेव हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की प्रतिमा हैं, हम उन प्रतिमाओं का क्या करें? क्या हमें उन प्रतिमाओं को स्नान, तिलक लगाना, फूल चढ़ाने चाहिए या नहीं, और हमें देवी देवताओं की प्रतिमा के चरण छूने चाहिए और हमें मंदिर में जाना चाहिए या नहीं? गुरु महाराज हमारी शंका को दूर करने की कृपा करें। देखो, हमारे हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता है। अब मान लो तुमने 10-12 देवता अपने पूजा स्थान में रखे, उनके तिलक लगाओगे, उनको स्नान कराओगे, फिर उनकी आरती गाओगे, किसी एक का रह गया तो वही सपने में तलवार लेके सामने आ जाएगा, है? ये सभी देवी देवता उस परम ब्रह्म परमात्मा के सेवक हैं। हमारा इष्ट क्या है, आराध्य देव क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर। हमने बार बार आपको बताया है कि पूजा स्थान में कोई भी तस्वीर ना रखें, नहीं तो उससे आपके मन में भ्रम पैदा होता रहेगा, भय पैदा होता रहेगा, शंकाएं पैदा होती रहेंगी। गुरु का चित्र भी पूजा स्थल में ना रखें, उसको भी अलग कहीं रखें,
और जैसे 40 दिन के लिए ज्योत जगाते हैं, ज्योत जगाएं, और जब आराधना करते हैं तो आराधना के समय आपका मुंह दरबार फूल संध्या की तरफ को होना चाहिए। और परमात्मा तो सर्वव्यापी है, लेकिन एक नियम बनाने पड़ते हैं। तो देवी देवताओं में, इनमें आप अटके रहोगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। हाँ, कहीं जा रहे हैं, बीच में मंदिर पड़ गया, आपका मन है जाने का, तो जरूर जाइए, देवगणों को प्रणाम कीजिए, लेकिन उनमें अटकना ठीक नहीं है। अटकने से मतलब है भयभीत होना। कोई कह दे लो मंगल में इसकी पूजा करा करो, बृहस्पति में इसकी पूजा करा करो, शुक्रवार में संतोषी माता की पूजा करो, शनिवार में शनि देवता की और पीपल की पूजा करा करो, तो फिर तो इसी काम के हो गए। अपने शरीर में, अंतरात्मा में जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म की हमें आराधना करनी चाहिए। दुनिया भर के अटंबरों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। उन तस्वीरों को वहां से एक तरफ रख देना चाहिए। हाँ, मन में जब जिस देवता का ख्याल आए तो प्रणाम उनको करें, और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि देवता अपने पुजारियों से ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे किसान अपने पशुओं से व्यवहार करते हैं। तो देवताओं की दृष्टि में मनुष्य जानवरों से अधिक और कुछ नहीं। यो अद्यनंद देवतम उपासते यथा पशुरेव गोंगसह देवानाम। जो व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना को त्याग के देवी देवता भूत परेत मजार पीर पेड़ पौधे तुलसा पीपल इनकी पूजा में लग जाते हैं, हमारे ऋषिगण क्या कह रहे हैं, वेद के ऋषि, ऐसे मनुष्य कभी शांति नहीं पाते और उनकी बुद्धि पशु जैसी हो जाती है। देवताओं की दृष्टि में वे पशु से अधिक और कुछ नहीं ऐसे मनुष्य। तो वे सभी देवगण जिस परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं उसकी हम आराधना करें, और अपने देवगणों का हमेशा आदर करें, उनका तिरस्कार ना करें, न वाणी से न किसी प्रकार से। वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितरगण हैं, मन ही मन उनको प्रणाम करें, लेकिन अपनी बुद्धि को उनमें भ्रमित भी ना करें। वे ईश्वर नहीं हैं, वे सब ईश्वर के भक्त हैं, मित्र हैं, उनका सम्मान करें। और जिस मार्ग से, जिस सत्य के यान पर सवार होकर, जिस देवयान पे सवार होकर धर्म का आचरण करके वे देवगण देवता बने और परम ब्रह्म के मित्र बने और परमेश्वर को उन्होंने प्राप्त किया, वैसे ही उनकी जीवन शैली को अपना के हम भी परमेश्वर के मित्र बने और परमेश्वर को अपने जीते जी जीवन काल में ही प्राप्त करें। राकेश ढाका हैं, ग्वालियर से। गुरुदेव रावण के दो भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। उन दोनों भाइयों में सबसे अच्छा कौन था? दोनों अच्छे थे। विभीषण, जिन्होंने सत्य का साथ दिया, या कुंभकर्ण, जिन्होंने बुरे वक्त में अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। गुरु जी, दोनों भाई तो सही नहीं हो सकते, और लंका के विनाश का कारण रावण खुद था या उसकी बहन सूर्पनखा थी। मनुष्य के अपने कर्म ही उसके विनाश का कारण होते हैं। ना सूर्पनखा को दोष दे सकते हैं, ना किसी और को दोष दे सकते हैं। रावण शुरू से ही ऐसा था, अहंकारी था, अपने गुरु महादेव शिव की बात भी नहीं मानता था, पर नारियों में आसक्त रहता था, धर्म को जानता था, वेद का पंडित था, सप्त ऋषियों का पौत्र था, लेकिन धर्म आचरण में वो न्यून था।
गिरा हुआ था, इसलिए उसका विनाश हुआ। और रही बात विभीषण की और कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण और विभीषण दोनों ही विद्वान पुरुष थे और वैज्ञानिक थे। और जब राजा पाप का आचरण करने लगता है तो कोई उसका साथ दे या ना दे, उसकी पराजय तो होनी ही होनी। कुंभकर्ण ने भी उसको समझाया कि भाई ऐसा मत करो, सीता को वापस लौटा दो, तो उसने लौटाई थोड़ी। विभीषण ने भी बहुत समझाया, भाई रावण ऐसा मत करो, तो उसको अपमानित करके निकाल दिया। तो ये कर्म किसके थे? रावण के ही थे। कहते हैं हनुमान ने लंका जला दी, नहीं, रावण के कर्मों ने लंका जलाई। उसके कर्म इतने दूषित थे, उनके कारण से उसके राष्ट्र का विनाश हुआ। पंकज आर्य हैं, गुरुदेव को नमन, शुभमस्तु। गुरुदेव जब परमात्मा या विधाता वहीं से लिखकर भेज देता है कि ये आत्मा तमोगुणी होगी, रजोगुणी होगी, तो क्या वे आत्माएं अपने वर्तमान में सतोगुणी आत्मा बन सकती हैं? कोशिश करने पे बन सकती हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, संसार में कर्म प्रबल है, कर्म बलवान है। सत्कर्म करने से जो भूल या गलतियां हमसे हुई हैं, पीछे हो गई हैं, तो अब उनमें सुधार लें तो वे सुधर जाते हैं। और आदमी हमेशा झूठ ही बोलता रहे, हमेशा कपट ही करता रहे, हमेशा बुरे कर्म ही करता रहे, तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती। ये कहना कि जैसे लिख दिया है वैसे ही होगा, वो तो एक नक्शा बना दिया है तुम्हारे लिए, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ। आज शनिवार है, कल को रविवार आना ही आना है, ये एक नक्शा है, एक व्यवस्था है। लेकिन आप अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं, और जो कार्य आज नहीं कर पाए शुभ कार्य, वो कल को आप कर सकते हैं, यदि आप उसमें सचेत हैं। तो भाग्य के भरोसे आदमी को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए कि ये तो विधाता ने लिख दिया, ये तो हो गई। जैसे बहुत से मक्कार किस्म के ज्योतिषी, सब एक से नहीं होते, किसी को ठगना हो तो हाथ देखेंगे, आहा हा, 3 महीने में तुम्हारे घर में कोई ना कोई मर जाएगा। अरे महाराज बताओ क्या करें, क्या करें, क्या करें? अरे बस करना क्या है, 33,000 का हवन मुझको करना पड़ेगा। 35,000 तो बताते नहीं, चलो 33 बता दे तो 30 ही दे सकते हैं। तो यह ठग विद्या, ऐसे ऐसे लोग करते रहते हैं और उनके बातों में आ भी जाते हैं। लाल धागा बंधवा लिया, 35,000 दे दो, बस इससे कल्याण हो गया तुम्हारा, बस हो गया कल्याण, हो गया लाल धागा बांध दिया है। और जिन पे हैं लाखों, तो वो उनको 35,000 क्या दे देंगे, और होना कुछ है नहीं। एक आदमी गया ज्योतिषी के पास, बड़ी परेशानी चल रही है, कब तक रहेगी? कि बस 1 साल। 1 साल बीत गया कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, कि बस और 1 साल, अन फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी है। ये सब बेकार की चीजें हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, जो मक्कार ज्योतिषी हैं उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। ज्योतिष वेद का एक अंग है और वो हमें दिशा निर्देश करती है कि हम इस मार्ग को जाएं और इसको ना जाएं। अब जैसे कल को ग्रहण पड़ेगा,
चंद्र ग्रहण, हालांकि भारत वर्ष में वो दिखाई नहीं देगा, और प्रातःकाल 8:38 से और लगभग 11:30 तक उसका ग्रहण काल है। वो घटना सौर मंडल में हो रही है, आकाश में हो रही है, तो उसमें हम मंत्र जप सकते हैं, सुमरण कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष प्रभाव उसका भारत में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो ज्योतिष अपने आप में एक विद्या है, लेकिन उस विद्या को चलाने वाले लोग कैसे हैं, सत्य आचरण वाले हैं या कपटी हैं? डॉक्टर हैं वे सत्य आत्मा वाले हैं या कपट से मरीज को डरा डरा के लाखों रुपए उनसे ऐंठ लें? बच्चा पलट गया है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पैदा हो गया तो मशीन में रखा जाएगा, अच्छा उसके लाखों वहीं पट कर देते हैं। पहले वैद क्या थे? नब्ज देख के बता देते थे, ये है, ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओ। ऐसे वैद भगवान का रूप माने जाते थे। तो आज लुटेरे, उनका विश्वास नहीं, वे जो कह रहे हैं डॉक्टर सही कह रहे हैं या ठग विद्या इनकी चल रही है। 90% ठग हैं और 10% अच्छे लोग हैं, देवात्मा हैं डॉक्टरों में, अच्छे लोग, अच्छे लोग भी हैं। ये नहीं समझना चाहिए हम ज्योतिषियों की और इनकी आलोचना कर रहे हैं। ज्योतिषी भी बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम हैं, रोजगारी लोग ज़्यादा रह गए और वे लोगों को ठगने में लगे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवगंधा सिंह है नोएडा से, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता 5 से 8 हजार वर्ष पुरानी है, इसकी लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सकता, इनका अंत कैसे हुआ और ये हमारे ही पूर्वजों के स्थान हैं? बेशक, और इससे भी प्राचीन प्राचीन सभ्यताएं हमारे यहाँ रही हैं, देव संस्कृति, त्रेता युग में जो कैस्पियन सी है, कश्यपन सागर, वहाँ से बाढ़ आई थी और बहुत लोग उसमें विध्वंस हो गया था, और इसी प्रकार सभ्यताएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, समुद्र इधर से पलट के उधर चला जाता है, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। हमें अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का अनुभव करना चाहिए और उन्हीं की तरह हमें भी श्रेष्ठ और उत्तम जीवन को धारण करना चाहिए। देवपुत्री सुनीता, क्या हवन करते समय स्वाहा बोलना चाहिए? आप देखते हैं गुरु दरबार में किस पद्धति से यज्ञ होता है। असल में अलग अलग ऋषियों की अलग अलग परंपराएं और पद्धति रही हैं। हमारी परंपरा में आहुति डालते समय मंत्र बोलते हैं, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, और स्वाहा का मतलब भी ये होता है कि ये सुंदर वाणी हे परमात्मा आपके लिए हम अर्पित कर रहे हैं। शकुंतला तड़ियाल हैं देहरादून से, गुरुदेव हिंदू धर्म के अनुसार हमें बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। असल में क्या करते हैं, वो मोमबत्ती लगा देते हैं केक पे, और केक में कोई अंडे वाला केक होता है, कोई कैसा होता है, और फिर बच्चों से कहते हैं बुझाओ, दीपकों को जलाना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है, हवन करें, और घर में जो बड़े हैं, जिसका जन्मदिन है, वो सबसे आशीर्वाद ले चरण स्पर्श करके, और घी के दीपक जलाएं,
घर में ही जैसे मीठी रोटी बनाते हैं मोटी सी रोट तो दूसरी तरह से भी बनता है, वैसे नहीं, तवे पे ही उसको आप मीठी रोटी को सेक के उसमें सौंफ वगैरह डाल के उसको बनाएं और उसके टुकड़े टुकड़े तोड़ के सबको बांटें। जो प्रसाद घर में बनाया जाता है वो शुद्ध माना जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू ये अंग्रेजी में हम बोलते हैं, उन बच्चों के लिए हमें बोलना चाहिए जन्मदिन शुभम भवा, जन्मदिन शुभम भवा। वेद मंत्रों का उच्चारण करें, ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र उद्मृत है, प्रार्थना अपनी बोलें, हे परमेश्वर तू जमीन आसमान है। अपनी पद्धति से हमें बच्चों का जन्मदिन मनाना चाहिए। सचिन कुमार हैं, जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे होती है? पहली बात तो यह है कि जो अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु कई प्रकार की मानी जाती है, एक्सीडेंट हो गया मर गए, पेड़ से गिर के मर गए, आग में जल के मर गए, और सबसे बुरी इसमें होती है जो खुद जहर खा के मर जाते हैं। इस प्रकार की आत्माएं अशांत भटकती रहती, उनको शांति प्राप्त नहीं होती। उनके लिए हमारे यहाँ तो जो गुरु दरबार में पद्धति है, रविवार में उनके नाम से चादर चढ़ती हैं, सामूहिक रूप से उनके लिए प्रार्थना की जाती है, और इसके अतिरिक्त आप ब्रह्म भोज भी कर सकते हैं, संगत का भंडारा वगैरह करा सकते हैं, इससे अधिक और कर सकते हैं तो उनके नाम से कोई आप कमरा वगैरह भी बनवा सकते हैं। यही बस कुछ बातें हैं जिससे अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। और आत्महत्या तो किसी को करनी नहीं चाहिए, जो कुछ खा पी के मर जाते हैं वे आत्माएं बहुत अशांत रहती, बहुत समय बाद उनको शांति प्राप्त होती है। नेहा देव पुत्री अग्रि से है, गुरुदेव कोटि कोटि नमन, शुभम अस्तु। गुरुदेव हम कल 1 बजे की पूजा कर रहे थे, हमारी माता जी को दिव्य दर्शन हुए, क्या गुरु दर्शन हुए उनको, प्रकाश में हो जाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र जिस समय दिया जाता है तो उसी समय सतगुरु की एक अमृत किरण हमारी आत्मा में पहुंचती है और परमात्मा गुरु के उस स्वरूप के द्वारा बराबर हमारी रक्षा करता रहता है। हेमा अरोड़ा मोदी नगर से हैं, अनंत अनंत नमन गुरुदेव, शुभम अस्तु, कल्याणम अस्तु। स्वप्न में गाय बैल बंदर सांप बिच्छू आदि देखने का क्या कारण होता है और क्या इसका फल होता है, कई सारी चीजें पुत्री तुमने इसमें लिख दें। गाय यदि हम अच्छी हालत में देखते हैं तो समझो ये हमको भक्ति की तरफ ले जा रहा है, बैल देखते हैं श्वेत और बहुत अच्छा सजा हुआ और उत्तर दिशा में ये जा रहा है तो ये बहुत शुभ होता है, ये संकेत है कि हमारा धर्म साधना बढ़ रही है। और अगर बुरी हालत में दिखता है कमजोर मरियल बीमार सा बैल या गाय तो उसमें सोचना चाहिए हमारी भक्ति जो है निम्नता में जा रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए।
बंदर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ये अगर देखते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए कि हमें सांप जैसे, बिच्छू जैसे, बंदर जैसे लोगों से वास्ता पड़ने वाला है 2-3 दिन में। किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ऐंठ मैंठ ना हो जाए, इसमें हमें सावधान रहना चाहिए। परम ब्रह्म देव पुत्र सतगुरु ब्रह्म रूप धर आए, अलख अगम घट में दर्शाए। गुरुदेव, हम सतगुरुदेव में ब्रह्म दर्शन किस प्रकार करें? हर एक मनुष्य के भीतर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं, और गुरु में हमें कभी भी अवगुण भाव नहीं लाने चाहिए। मनुष्य जैसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए, गुरु को ब्रह्म रूप हमें जानना चाहिए। उसका एक उदाहरण कल भी ये बात सामने आई थी तो हम आपको फिर बता रहे हैं। मान लीजिए 10-20 लोग जाते हैं कैलाश, शिव उनको बुलाते हैं, भाई आओ साधकों, आप जो हैं 40 दिन के कल्प आप हमारे यहाँ करो। महादेव शिव की उपस्थिति में तो ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन अब वहाँ खाने पीने को क्या मिलेगा? अब हमारे यहाँ तो संगत में भंडारे हो रहे हैं, आज उनका भंडारा है, आज मैंगो शेक बनेगा, आज रसगुल्ले बनेंगे, आज जलेबियाँ बनेंगी, आज पूरी पकवान बनेंगे, ये आनंद का विषय है, होना चाहिए अच्छा खाना पीना है। लेकिन सबसे पहली बात आप सोचिए, आप 40 दिन वहाँ रहेंगे, महादेव शिव उपस्थित हैं वहाँ, तो वो आपको क्या खिलाएं पिलाएंगे? जो वहाँ की जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका कड़वा पानी बनाया जाता है। दिन में एक कंदमूल दूसरी चीज़ होती है, कंदमूल तो मीठा होता है, हो सकता है कभी कंदमूल भी आपको थोड़ा सा खिला दें। लेकिन आम तौर से क्या होता है, जब साधना काल होता है तो हमारे यहाँ शाम को जैसे वो काढ़ा बनता है, बहुत कड़वा होता है, उसमें औषधियाँ डाली जाती हैं, गिलोय है, तुलसा है, और 2-3 और चीज़ें होंगी, बड़ा कड़वा होता है, पिया नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से पीते हैं नाक बंद करके। तो 40 दिन तक एक तो आपको वैसा वो मिलने वाला है, चाहे एक बार पी लो, सुबह को पियो, शाम को पियो, और दिन भर निर्जल उपवास से रहो। तो पहले तो यही सोच के हाय ऐसा कड़वा काढ़ा मिलेगा, और कुछ नहीं, गुरु महाराज पराठे नहीं मिलने के, पराठे यहीं खा लो अपना बना के, वहाँ कुछ नहीं मिला, तो मेरे तो वैसे ही पैर में दर्द है, मुझसे तो चला नहीं जाएगा, है आधे तो यहीं रह जाएंगे, कड़वे काढ़े के नाम पे कोई आधे आधों की हवा निकल गई। अब वहाँ जा रहे हैं मान लो, और अभी पहुँचे भी नहीं हैं, और एक ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, दिल्ली से भी हैं, आगरे से भी हैं, फुलसंदे से भी हैं, बिजनौर से भी हैं, जा कहाँ रहे हो? कि शिव जी ने बुलाया वहाँ साधना करने 40 दिन, पागल हो गए? अरे तुम्हें पता नहीं वो कैसे हैं? उन्होंने तो अपने ससुरे का ही सिर काट दिया था, अभी पहुँचे भी नहीं हो वहाँ तक, हैं? तो बोले हाँ काटा तो था दक्ष का। अरे कहाँ जा रहे हो बेकार, वो तो हत्यारा। हाँ कुछ है तो सही, तो उसमें से कुछ तो लौट जाएंगे कि बेकार क्यों अपना
मगज खराब कर, फिर भी कुछ रहेंगे। आगे कोई और मिलेगा, कहेगा कहाँ जा रहे हो, अरे तुम्हें पता नहीं वो कैसे थे, विष्णु के मोहनी रूप पे मोहित हो गए थे, वो तो उनके पीछे पीछे हो गए थे, तुम उन्हें ज्ञानी समझ रहे। और अय्यप्पा जो पैदा हुए थे वो विष्णु और शिव से ही तो हुए थे, कहाँ अपना वक्त खराब करने जा रहे हो। तो वो सोचेंगे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, आधे उसमें से भी खिसक लेंगे, थोड़ी दूर और आगे चले, फिर कोई आएंगे, ज्ञान उन्हें ज्ञान, सांप लटकाओ फिरें, उनसे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे जाके, अरे उनको वेद का ज्ञान और ओंकार का ज्ञान तो उनके लड़के ने ही दिया था वहाँ दक्षिण भारत में नागपट्टनम में, स्वामी मलाई जगह है, पूछ लो वहाँ जाके हुआ था या नहीं। ना हाँ बिल्कुल सही है, वे भी हैं खिसक गए। सतगुरु ब्रह्म रूप धरु आए, तो गुरु से हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, गुरु के निकट हम साधना करने जा रहे हैं, और पहले पहले हमारा मन खराब हो जाता है। तो ऐसे खराब मन वाला शिष्य साधक क्या शिव जैसे गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है? नहीं। जो नंदी जैसा होगा दृढ़, गुरु मेरे लिए ब्रह्म रूप है। और शेषनाग ने कहा था विष्णु से, हे नारायण मुझे तुम बहरा बना दो, बस तुम्हारे रूप को देखता रहूं, तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप में मेरा मन लीन रहे, इधर की उधर की कुचर 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 ये ना सुनो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें शिष्य के अंदर गुरु के लिए ब्रह्म भाव स्थिर नहीं रहेगा। सतगुरु ब्रह्म रूप धरु आए, अलख अगम घट में दर्शाए, दर्शाएंगे तो तब जब हम उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। तो शिष्य को ही अपने मन को पहले सजाना संवारना और कूड़े कबाड़ से बचाना पड़ता है। ये हमारे देवता आगे कहते हैं, एक रात में करीब 11 बजे हवेली की छत पर खड़ा था, यहाँ फुल संध्या में, और सोच रहा था कि यहीं पर गुरु महाराज जी को परलोक यात्रा हुई थी। अचानक मैंने आश्रम की तरफ देखा तो वहाँ एक तेज प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठ रहा है, वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह था, फिर वो प्रकाश श्वेत चांदनी जैसा हो गया, और फिर उस प्रकाश का रंग नील श्वेत हो गया, और कुछ देर बाद वो प्रकाश अदृश्य हो गया। इस घटना के 2-3 दिन बाद एक दिन प्रातःकाल करीब 4 बजे मेरी आँखें खुलीं, मैंने सोचा कि थोड़ी देर और विश्राम कर लूँ, और मैं लेट गया और अचानक मेरे प्राण शरीर से बाहर निकल गए, और मुझे लगा कि शायद मेरी मृत्यु हो गई है, और तभी मेरे प्राण आसमान की तरफ को उठने लगे, मानो मुझे कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। फिर मैं एक जगह जाकर रुका, जहाँ एक वृक्ष के नीचे कोई देवता जैसे हाथ में कोई पुस्तक लिए हुए कोई पुरुष खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा, अपने पिछले जन्म का हाल सुन लो। तो गुरुदेव, मैं किसी जन्म में नगर सेठ बना, तो किसी जन्म में आजीवन तपस्वी रहा, पिछले जन्म में मैंने गृहस्थ धर्म का पालन किया, और मैं बड़ा ईश्वर भक्त बना और प्रभु स्तुति में लगा रहता था, परंतु मेरे कोई संतान नहीं थे। गोद ले लेते किसी बच्चे को, ले लेना चाहिए, अगर अपने संतान नहीं होती तो गृहस्थों को अवश्य ही कोई बच्चा ले लेना चाहिए।
और फिर मुझे संतान रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ये बहुत अच्छा है, प्राप्ति हो गई। पुत्र मोह में मेरा ज्ञान ध्यान सब जाता रहा, ये गलत हुआ। और फिर मेरी मृत्यु हो गई, अब ये जन्म फिर मुझे प्राप्त हुआ है। और भी ना जाने उन्होंने मेरे कितने जन्मों के बारे में बताया। इसके बाद मैं थोड़ा और ऊपर गया तो वहाँ आप उपस्थित थे, गुरु का स्वरूप, और ना जाने कितनी आत्माओं का जमावड़ा वहाँ लगा हुआ था। आपने मुझसे कहा इन आत्माओं के पास जाकर इनकी बातें सुनो, तो वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि भाई तूने मेरी गोली मारी थी, बंदूक की गोली, तूने मेरे गोली मारी थी। कोई कह रहा था तूने मुझे धोखा दिया था, कोई कह रहा था तूने मेरा ये चुराया था, और ठहाका मार कर वो लोग हंस रहे थे, मानो कोई सांग या नाटक खेल कर अभी आए हैं। रोल अदा करने के बाद आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या दुख नहीं था, और फिर मेरे प्राण वापस शरीर में आ गए। बहुत अच्छा, इन बातों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। देवपुत्र मृत्युंजय, ये भी हमारी देवता हैं। गुरुदेव, एक रात को सोते हुए मैंने क्या देखा कि आसमान से एक तारा मेरी तरफ को आ रहा है, और जब वो तारा मेरे नज़दीक आया तो क्या देखता हूँ कि तीन दिव्य आत्माएं, जिनके आसपास अद्भुत प्रकाश पुंज है, वो बोले कि हमारे साथ चलो, और मैं उनके साथ चल दिया। मैंने उनसे पूछा कि हमें तो ऊपर जाने में बहुत समय लगेगा और मुझे आश्रम भी जाना है, तो वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और बोले ठीक है, और क्षण भर में तीव्र गति से हम ऊपर पहुंच गए कि मानव मस्तिष्क से उसकी कल्पना करना बाहर है। जैसे अभी दृष्टियाँ और अभी सूर्य पे, इतनी देर में मृत्युदेव यम जब हमें ले गए थे तब भी इतनी ही तीव्र गति उनकी थी। फिर वहाँ पहुँचकर गुरुदेव, क्या देखता हूँ कि आप वहाँ विराजमान हैं और बहुत सी दिव्य आत्माएँ आपके निकट बैठी हैं, और मैं जिधर भी नज़र उठाता था हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता था, और कितने ही वहाँ देवता उपस्थित थे, और फिर मैं सामान्य स्थिति में लौट आया। गुरुदेव, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करें, क्योंकि हम ठहरे तुच्छ बुद्धिजीव, और आपकी महिमा तो असीम और अनंत है। गुरु महाराज, हम किस प्रकार अपनी साधना को बढ़ाएं कि हमारे ज्ञान के नेत्र खुले रहें और अज्ञान का तमस हमसे दूर रहे। बिल्कुल सही बात है, अपनी साधना को हमें बढ़ाना चाहिए। हर घंटे पे हमारी आराधनाएं होती हैं, आपको पता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हर घंटे पे आराधना करें, ध्यान को अपने एकाग्र रखें, मन को विचलित ना होने दें, और अच्छे लोगों का संग करें। आज इतना ही, बाकी प्रश्नों के उत्तर हम फिर देंगे, और कल के बाद भी ये प्रोग्राम इसी प्रकार से लगातार चलता रहेगा। अभी ये प्रोग्राम बंद होने वाला नहीं है, आप बने रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, और अपनी साधना में लगे रहिए। इसी के साथ आज का ये हमारा जो धर्म सभा है समाप्त होती है। कल सुबह ठीक 10 बजे आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एक तू सच्चा, एक तू सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु।